अलवर फल सब्जी मंडी व्यापारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर गुरुवार को फल सब्जी मंडी आढ़तीय यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काले झंडे दिखाकर विरोध प्रकट करते हुए पप्पू प्रधान ने मंडी सचिव पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह अधिकारी भ्रष्ट है और सब्जी मंडी में आए दिन वसूली करते हैं। पिछली बार व्यापारियों के विरोध के चलते सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसे दोबारा सब्जी मंडी में लगा दिया गया। इस मामले पर मंडी सचिव के हटाए जाने की मांग करते हुए आढ़तीय यूनियन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों सचिव द्वारा फल सब्जी मंडी में केले पकाने के लिए दुकानों में लगाए गए कोल्ड स्टोरेज को अवैध बताते हुए सचिव ने दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की थी। इस कार्यवाही के विरोध के चलते व्यापारी और मंडी प्रशासन आमने सामने है। हमारा विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि जो भूतपूर्व सचिव थे विष्णुदत्त शर्मा जी, वो एपीओ के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे लेके आए हैं, तो तथ्यों को गलत तरीके से वहां पर पेश किया गया है और हमारी पैरवी ढंग से नहीं करी गई। पहले भी हमने हमारे प्रशासक एडीएम फर्स्ट को राकेश गढ़वाल जी को हमने हमारा ज्ञापन सौंपा था, मैं दस्तावेजों के, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो हम ये जो मंडी सचिव यहाँ पर आए हैं, आप उन्होंने आज जो ज्वाइन करेंगे उनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है और ये हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार इनका जब तक तबादला नहीं कर देती, जब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। नहीं तो यहाँ पर रह के ये जांच की गतिविधियों को प्रभावित करेंगे और जो इनके चेले और जो इनके गुर्गे हैं उनसे व्यापारियों को डराएंगे धमकाएंगे। इस वजह से व्यापारी चिंतित है। इसी के विरोध में हम सेक्रेटरी के विरोध में जो आज ज्वाइन कर रहे हैं विष्णुदत्त शर्मा जी के विरोध में, आज हम यहाँ पर धरना देंगे। कृषि उपज मंडी अलवर में पिछले दिनों मंडी सेक्रेटरी के द्वारा अवैध वसूली और व्यापारियों के ऊपर मानसिक दबाव बनाकर उनसे अनाप शनाप पैसे वसूल किए जा रहे थे, उसके विरोध में व्यापारियों ने व्यापार मंडल को शिकायत की और व्यापार मंडल ने शिकायत के ऊपर सेक्रेटरी साहब से बात की तो सेक्रेटरी साहब ने उल्टा अनर्गल कहकर व्यापार मंडल को ही धमकाने का प्रयास किया। उस पर हमने जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद हमने एक दिवसीय मंडी में अपना विरोध प्रदर्शन कर व्यापार बंद रखा, जिसके ऊपर सरकार ने अपनी कार्रवाई करते हुए और भ्रष्ट अधिकारी को एपीओ कर दिया था। उसके पश्चात बार बार सेक्रेटरी साहब के जो यहाँ पर दलाल बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब के जो यहाँ पर दो तीन चार व्यापारी हैं जो सेक्रेटरी साहब की यहाँ पर दलाली करते हैं, उन लोगों ने इन व्यापारियों को धमकाने का प्रयास किया और आज हमें पता लगा कि माननीय सचिव महोदय अपना एपीओ के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट को गलत तरीके के तथ्य पेश करके और उस पर स्थगन आदेश लिया है।